एनिमल ब्रैंकियोस्टोमा. दिस बिलोंग्स टू कॉर्डेट्स. ये फाइलम कॉर्डेटा. कॉर्डेटा जी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द फोर मेन स्ट्रक्चर्स. वन इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, वन इज प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स एंड प्रेजेंस ऑफ टेल. दीज आर द फोर पेक्यूलियर फीचर्स ऑफ द कॉर्डेट्स बिकॉज दे हैव द ऑल दीज कैरेक्टर्स. इन प्रीवियस माई लेक्चर आई हैव स्टडीड द विच टॉपिक यूरो कॉर्डेटा और एनिमल हार्डमोनियम. इन दैट केस दैट इज एडल्ट वन इज पैसिव एंड लार्वा इज एक्टिव. नो डाउट इट इज इन कॉर्डेट्स बट इट्स अ लार्वा दैट यूज द करेक्टर्स ऑफ द मैनी करेक्टर्स ऑफ द कॉर्डेट्स बट दे हैव द करेक्टर्स ऑफ द कॉर्डेट्स, टिपिकल कॉर्डेट्स. क्लियर? बिकॉज दे हैव ए दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द नोटोकॉर्ड. सी दिस नोटोकॉर्ड, इट इज ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर which started from the anterior portion and goes to the up to the posterior portion. ठीक है, this is the one typical character of the chordate with it. It has a tail. This has tail. This is another character. This tail is surrounded by caudal fin. Clear up, Palu? This animal is greyish in color and elongated body, or they are narrow at both the ends. See here, it is a narrow one. It is on another side, it is again narrow one. In the center, it is a broader portion. ठीक है, its body is divided into देखो हेड ट्रंक, दिस इज हेड ट्रंक एंड टेल. हेड ट्रंक एंड टेल. हेड पोर्शन इज ऑल्सो कंपेरेटिवली नैरो वन एंड टेल पोर्शन इज ऑल्सो नैरो वन. इन द मिडल वन इट इज ए ब्रॉडेस्ट पोर्शन. क्लियर? This is called the trunk. Now, there are present 3-4 apertures. One aperture is mouth. Khana jitho khana. One portion, this portion is called dorsal portion. This is called the ventral portion. So that's why it contains the dorsal fin. On the upper side there is present dorsal fin, or on the lower side there is present ventral fin. This ventral fin, this is a smaller one as compared to dorsal fin. This dorsal fin starts from the anterior end and moves up to the posterior end. And ventral fin, that is only present on the lower back side, मतलब posterior side on the tail side. It is near on the tail side after the atriocord. This is clear? Now first, after this dorsal fin, there are present notochord, which is the typical character of the chordates. This belongs to urochordate class
यूरो कॉर्डेट, सॉरी सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा, यूरो कॉर्डेटा इज हार्डमानिया, सॉरी दिस बिलोंग्स टू सब फाइलम केड़े वाला सेफेलो कॉर्डेटा. व्हाई इट इज कॉल्ड सेफेलो कॉर्डेटा, बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉर्ड, दैट इज ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर. अल्टीमेटली दिस इज नॉट अ कॉर्ड चेंज इन टू ब्रेन क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम. इस तरह अपना है क्रेनियम है एंड वर्टिब्रा होते ना सारे, ठीक है. बट हेयर इट इज प्रेजेंट एज इट इज, दिस इज कॉल्ड द सेफेलो कॉर्डेट. द कॉर्डेट विच हैज दैट इज नॉट ब्रेक डाउन इन टू स्मॉल वर्टिब्रेट्स, ठीक है, जॉइंटेड. जस्ट बिलो देर आर प्रेजेंट हेयर, देर इज रिटन एज ए माइक्रोटोमा और मायोसेप्टा. दीज आर द मसल्स, रोज ऑफ मसल्स. दीज मसल्स दे आर लाइक दिस वी शेप, दे आर लाइक दिस वी शेप. Clear? These are present on both sides, this side also and on another side. Let it be body is like this. It is also present in the row on the upper side, on this side also and on this side also. So two rows of the muscles, they are present, one on the one lateral side and another on the another lateral side. जिस तरह आप नाल वाली लेयर दे विच होए ते अपनी लेयर दे विच, और दे आर वी शेप एंड वन उसके बाद दूसरा फिर तीसरा. दे आर प्रेजेंट एज ए सेगमेंटेड, एज ए सेगमेंट्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मायोसेप्टा और मायो फोर मेटा. क्लियर है? इट इज ए वी शेप, इट्स टू साइड्स दे आर फ्री एंड थर्ड साइड दे फेस द थर्ड साइड ऑफ द इट्स सेकेंड मसल, ठीक है. देन दिस इज सेकेंड मसल्स, दिस कर्व्ड एरिया दैट फेसेस द थर्ड मसल्स कर्व्ड एरिया. दे आर अरेंज्ड लाइक ए सेगमेंट बाय द कर्व्ड एरिया, फर्स्ट कर्व्ड एरिया एंड सर्कल बाय द कर्व्ड एरिया ऑफ द सेकेंड. सेकेंड इज कवर्ड बाय द थर्ड, थर्ड इज कवर्ड बाय द फोर्थ. दे आर अरेंज्ड लाइक ए दिस. और there is present, they are covered by a membrane. In order a membrane that is called mycometa, mycotomata, ठीक है. दोनों का फर्क देखो, these are called myosepta, इनको क्या कहेंगे, mycometa. जिस तरह चिट्ठी होती है, चिट्ठी अंदर है और ऊपर लिफाफा है, लिफाफा क्यों हो गया माइकोमेटा, तो जड़ी लेटर और क्यों होगी मायोसेप्टा या मसल. क्लियर? नेक्स्ट इज ऑन द लोअर साइड देयर इज आल्सो प्रेजेंट रोज ऑफ, देखो उसके बाद दूसरा गोनेट्स. ऑन द जस्ट बिलो दिस मायोसेप्टा देयर आर प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड, दोनों लेटरल साइड्स पे देयर आर प्रेजेंट टू रोज ऑफ गोनेट्स. दीज गोनेट्स दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बॉक्सेस, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वेयर बॉक्सेस. इंटीरियर वन दे आर स्मॉलर, इन द मिडल दे
near large, and again it is appointed. Here is also present the smaller one. Same like structure is present on the another side. जिस तरह दो मसल लेयर होनी इस तरह ही एनाट्स जस्ट बिलो दिस देयर इज प्रेजेंट मेटाप्लूरल फोल्ड. मेटाप्लूरल फोल्ड व्हाट इज दिस मेटाप्लूरल फोल्ड क्या ना सुनना. दिस इज प्रेजेंट ऑन द इंटीरियर साइड बट इट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द एक्सटीरियर साइड. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द this mouth portion and end at the atriopode. Clear that? This one होता है ना समझना वह कि ये अंदर की आ गया ब्रैंकियोस्टोम. ठीक है ये अंदर आ गया ब्रैंकियोस्टोम जड़ी दी आउटर कवरिंग है ओ दे तो वो डिंग दिया ना हमेशा कॉपी तो कॉपी तो व्डे होंगे है ना जेडे व्डा वाला पोर्शन है ना वो सारा जो दिखता ना दैट इज कॉल्ड द मेटाप्लूरल फोल्ड. समझ आया ठीक है. जेडी ये पेजिज है यह की हो गया ब्रैंकियोस्टोमा जो कवरिंग है यदि यह की हो गया यदि कवरिंग जी है कॉपी तो थोड़ी थोड़ी व्डी होंगी ना ताकि कॉपी खराब ना आए दैट कवरिंग दैट इज कॉल्ड द मेटाप्लूरल फोल्ड. अच्छा ये हों की है मान लो लंबी होगी जो इन्होंने एरिया है दैट इज कॉल्ड एट्रीएम. समझ आ गया एट्रीएम की है. जिस तरह ये तो कुछ आया वो कितने आ जाएगा जिस तरह एक कमरे जो सारा चीज बाहर जाए कितने जाएगी बरांडे. ठीक है बरांडा की हो गया यह तो हो गया सीलम ध्यान समझना. This is the coelom and this coelom open into ओदे जो जिन्ना भी है सारा कुछ that is open into another chamber that is called the atrium. की कर लो atrium और atrial cavity भी बोल देने हैं atrium भी बोल देने हैं. They are opened by atriopore. जिस तरह ऐसा पानी और जिस तरह मोरी जिला जिस चो पानी बाहर आता हो दैट इज कॉल्ड एट्रियोपोर. क्योंकि जे इतों पानी निकल के वो ब्रांडे चला जाऊगा तो क्यों होगा दैट रिमेन डियर उगा ना पानी उतों भी तो बाहर जाना चाहिए ना दैट इज थ्रू द जड़े बने होंगे पोडियां या पाइप जिंह लगिया होंगे जिसे थ्रू पानी बाहर जाए इतने वो पाइप की है that is called the atrio pore. Or this metapleural folds they contain the cavity that is called the atrium. Ki kaam karo atrium. Now kya na suni cheez when we cut the section from here then we can see the atrium. When we cut the section from here we can't see atrium because it hai hi nahi. इतने वी कैन सी द मेटाप्लूरल फोल्ड्स बट ऑन द पोस्टीरियर साइड वी कांट सी द मेटाप्लूरल फोल्ड्स बिकॉज एट्रियम इज एब्सेंट हियर. हैव यू अंडरस्टैंड योर नॉट बोलो मैं दोबारा समझा वहा समझ आ गई. नेक्स्ट ऑन द इंटीरियर साइड these structures that is understandable to all these dorsal fins. Dorsal fins they help in locomotion. ठीक है and ventral fin they also help in locomotion. This caudal fin this tail portion that is encircled by a caudal fin. This caudal fin they help in setting the direction on which it wants to move. आपको देखिए जब आप बोटिंग करने हैं पीछे ही को होंगी है उन डायरेक्शन की घुमाने जो ऑपोजिट साइड पर जाने दैट फंक्शन इज डन बाय दिस कॉर्डर
फिर दे सेट द डायरेक्शन उधर मूव करना है, इधर जो इधर मूव कर दिया कि इधर मूव कर दिया, ठीक है। कई बार बोटिंग की है ना पैडलिंग वाली, पिछे और हिलाते रहने जिधर तू जा, ठीक है। सेम वर्क दैट इज सेट बाय दिस पॉडल फिर। नेक्स्ट इज ऑन द एंटीरियर साइड, देयर इज प्रेजेंट पॉइंटेड एंड देन ब्रॉड कंपैरेटिवली, देन अगेन इट बिकम द नैरो। दिस इज कॉल्ड द रोस्ट्रम, दिस इज कॉल्ड रोस्ट्रम और इट इज ए इंटीरियर मोस्ट पोर्शन। Here or on the lower side of the rostrum, there is present buccal cirrhi. What are these buccal cirrhi? These are the cilias. These are the cilias because they are present in the buccal cavity, so it is called the buccal cirrhi. Let it be, its structure is like this. They contain a rod-like structure. Air from there arises a one hard portion. Okay, कर दे नो stiff बना कर। That's why it is called oral cirrhi instead of cilias. Or they help in filtration of the food. The food which enter into the mouth. Mouth is here. The food which is entered through this mouth, that is filtered by these oral or buccal cilias. ठीक है, that filtered food is entered here. In this portion, outer we can see this. On the inner side, there is present total alimentary canal. Next is acropore, we have done mouth. Mouth apa dasta hai, it is wide anterior ventral bounded by the lips and they have encircled by the oral, jis tarah hai na mouth ये खाले वाले की प्रेजेंट होंगे बक्कल सिराई या ओरल सिराई, क्लियर है। दिस ओरल सिराइज दे कंटेन ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर देयर स्टिफनेस। नेक्स्ट इज एट्रियोपोर, एट्रियो अपर्चर्स करा रही है ना, एट्रियोपोर्स, एट्रियोपोर दैट इज प्रेजेंट at the posterior end just before the ventral fin. Ventral fin. Why this is called ventral fin ray boxes? The ventral fin that contain, main karaungi detail structure, they contain a squarish box-like structures in them to make them hard. ये नहीं होएगा तो इकट्ठे इकट्ठे हो जाएंगे पानी च। इनू स्टिफ रखने वास्ते देर आर प्रेजेंट द फिन रे बॉक्सिस इन द वेंट्रल, इनू ही देख लिया। और डॉर्सल साइड पे देर आर प्रेजेंट इन डॉर्सल फिन, there is present dorsal fin ray boxes. kaade waste to strengthen the dorsal fin as well as ventral fin. they are harder structures made up of matlab bone like cartilage structures which give the stiffness hardness to the portion. Then is the metapleural folds, mein tha karate appendages karate tha hum sare kede kede karaye hai, dorsal fin, ventral fin and caudal fin. Then metapleural fold we have done. Now in this diagram
you can see comparatively, it is a, this is rostrum, this is buccal cirrhi or oral cirrhi. This is called the oral hood, that portion. Mucosalia, oral hood, just after the mouth, just after the rostrum, there is present oral hood. Next is, here we can see, this is the metacrural fold. You can see which I have told you what are metacrural fold. Here is atriopores. Here is present microtomes. Microtomes, they are nothing but muscles which help in locomotion, or they are present as a segmented, as a segment. On the ventral side, there is present ventral fin, and there is also present caudal fin or tail. This is called the tail position of the anus. Je mouth hai, there must be some anus. Here, there is present atriopore. Here is present the pore-like structure, that is called the anus, from where the undigested food is come out of the body. This is understand to all of you. Next is body wall, skeletal background. Body wall, that is also consist of epidermis as well as dermis. Epidermis, they are made up of epidermal cells. Epidermis, I think. Epidermis, epidermis, and broader one is the dermis one. This epidermis is consist of number of epithelial cells. Epithelial cells. In between epithelial cells, there are present the number of sensory cells, which gives the sensations to the body. Among that, there are present the gland cells, evaluating gland cells. They give the secretions, so that just like some epithelia on the, that is by the sweat gland, sweat gland. They दूसरे कड़े होंगे सबिशियस ग्लैंड जड़े की करते हैं ऑयल प्रोड्यूस करते हैं लुब्रिकेशन देते हैं दे गिव द लुब्रिकेशन टू इट्स बॉडी आफ्टर जस्ट बिलो देयर आर प्रेजेंट ऑन द अपर साइड देयर इज प्रेजेंट क्यूटिकल जड़ी पानी तो बचाती है नेक्स्ट इज There is present dermis. Dermis के ऊपर भी दो portions हैं. Upper portion is called outer compact layer and inner layer. That is not a inner connective tissue made, but it is not a compact. Compact की ना कट्ठा कट्ठा बिल्कुल कट्ठा कट्ठा होया हुआ है. इधर इस बिल्कुल कट्ठा कट्ठा वैसा है. ते इधर मतलब कट्ठा कट्ठा क्यों? पानी का टोल ठीक है जिमें जैली लाइक होएगा तो दैट इज कॉल्ड द आउटर कंपैक्टम कादे वास्ते टू गिव द स्ट्रेंथ टू दिस एपिडर्मिस जस्ट बिलो द एपिडर्मिस देयर आर प्रेजेंट द बेसमेंट मेम्ब्रेन बट दिस मेम्ब्रेन डू टू सपोर्ट द एपिथेलियल सेल्स After that, there is present inner spongy layer of the dermis. Inner spongy layer of the dermis. They contain the number of connective tissue. In between that, there is present fiber-like structures. There is connective tissue, blood vessel. There are present blood vessels. It is a non-living means
they lack the blood vessels, but can it contain number of blood vessels with them? Or there are also present these fiber-like structures? लगते भी है ना है? These are called the fiber-like structures which strengthen and give the elasticity. जिस तरह से डीएस के ना पानी ऊपर चुकने फिर वापस से गिर जाती है ना, this elasticity is given by these ones. ये लेक्चर भी हो गया है. Now I will do the skeleton in the next lecture.